अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, जिन भाइयों को अहतलाम ज़्यादा होता है, नाइट फॉल की परेशानी है और इतना ज़्यादा होता है कि हफ़्ते में कई बार हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा दवाई खा चुके हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन परेशान हो गए हैं और उनके शरीर के अंदर कमज़ोरी आ जाती है और परेशान डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं, उन तमाम भाइयों के लिए एक बेहतरीन वाला नुस्खा पेश करूंगा। कैसे आपको इस्तेमाल करना है, केवल आपको दो चीज़ों का नुस्खा है, आप रोज़ाना घर पर इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और दोस्तों, क्या लेना है आपको, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपना इलाज करना है, दोस्तों ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप न कीजिएगा, कम्प्लीट देखिएगा, बिना स्किप के इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आई, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लें, दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें। तो दोस्तों, एहतलाम की ज़्यादती, जिनको नाइटफॉल ज़्यादा होता है, एहतलाम ज़्यादा होता है, उनको चाहिए कि एक केला लें, केला पका हुआ लेना होना चाहिए और केले को छील लें और बीच में से उसके अंदर एक फाक्सी करें, उसके अंदर तीन रत्ती कलमी शोरा उसके अंदर डाल दें, ठीक है, डाल दिया, अब उसके केले के दो कर दें और एक प्लेट के अंदर दोनों को रखें और रात में आप रख दीजिए, शबनम पड़ लीजिए, ओस में बाहर रख दिए जी, ये बिल्कुल खुले में, ओस पड़ती हो या ना पड़ती हो फिर भी बाहर खुले में रख दीजिए। सुबह में एक केला, आधा केला आप खा लीजिए और आधा केला रात में आप खाइए। इस तरीके से दो वक्त, सुबह और शाम दो वक्त में इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको फ़ायदा ना हो, क्योंकि कोई दवाई सब पे सूट नहीं करती, कुछ परेशानी अलग भी होती हैं, तो फिर हमसे रابطہ करें इंशाल्लाह बेहतर इलाज के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नुस्खे के साथ, तब तक अपना और अपनी सेहत का